लो जी, आदाब, सत श्री अकाल। ये रहे मेरे पिताजी और ये रहा मैं। और उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो आज बड़े दिन बाद, तकरीबन एक हफ्ते बाद ये वीडियो आ रही है। तो आज ये रिव्यू वीडियो है एक प्रोडक्ट की जो रिसेंटली हमने बाय किया था, और उस प्रोडक्ट का नाम है ये रहा, ये मॉर्फी अरिस्टो पीटीसी रूम हीटर। ठीक है जी, ये रहा इसका डब्बा, ब्रांड न्यू लिया है। ठीक है, और ये रहा इसका बिल, 13 दिसंबर को परचेज़ की है। ये वारंटी कार्ड है, इसमें भी आप देख सकते हैं, 13 दिसंबर को वारंटी कार्ड है। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, वैसे तो ये रूम हीटर देखने में बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर है। आप देख ही सकते हैं, कहीं भी किसी भी घर में ये पड़ा हो तो जहाँ भी ये जाएगा सबकी नज़रें इसी पे होंगी, क्योंकि दिखने में ही बड़ा क्लासिक है ये। और मैं भी इसको हॉस्पिटल लेके गया था रिसेंटली, मेरे फादर साहब दाखिल हुए थे तो मैं इसको लेके गया था, और सभी को ये इतना पसंद आया कि आप पूछो ही मत। ठीक है नहीं, तो ये है मिनी, ये 2000 वॉट का है, और ये दो स्विचेस हैं इसमें। ये मैक्स का, यानी इसमें ये, वैसे ये टेम्परेचर तो नहीं करता अप एंड डाउन, पर जैसे ये है कि इस जो टेक्नीशियन था वो मेरे को बता के गया कि आप क्या करो कि जब ये रूम पूरा हीट हो जाए तो इसको पीछे करने लग जाओ। जब आप पीछे करने लग जाओगे तो क्या होएगा कि ये जहाँ रुक जाए आप वहाँ इसको छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद क्या होएगा, ये थोड़े टाइम बाद जब टेम्परेचर इसको लगेगा कि लो हो गया तो ये अपने आप चालू हो जाएगा। हालांकि मैंने ये करके देखा, ये हुआ नहीं। अब पता नहीं ये कैसे काम करता है। पर दूसरा है ये दूसरा स्विच, इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें एक बना हुआ फैन बना हुआ है, एक या दो, ठीक है नहीं, इसमें ये जीरो, यानी इधर जब इधर आएगा ये बंद हो जाएगा, इधर पे जब चलेगा तो कोई हीट नहीं देगा, सिर्फ फैन होगा। इधर पे आएगा तो 1000 वॉट खर्च करेगा और इसकी हीट थोड़ी कम होगी, तो इस पे ये 2000 वॉट खर्च करेगा तो इसके, और इसमें फिर ये अपनी पूरी कैपेसिटी के पे चलेगा। और अगर हम इसको चला के देखें तो अभी देखो ये बंद है, तो अब मैंने ये चालू किया, आप देखो ये बहुत ही साइलेंट है, अच्छी हीट देता है कमरा, ये 5 10 15 मिनट 20 मिनट में गर्म कर देगा। ये लिया गया था हमारे पिताजी की वजह से, आपको पता ही है, जैसे इनको डाइपर वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है, घर, आपके घर में बच्चा है, आपके घर में पेशेंट है, तो वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जितनी यहाँ नॉर्थ इंडिया या पंजाब में होती है। तो इस वजह से लिया गया कि पिताजी को जब डाइपर करने के वक्त, अब कंबल, उस टाइम तो कंबल नहीं कर सकते, अब तो कंबल पे कंबल पड़े हैं, पर जब उस टाइम कंबल उतारेंगे और नेकड करेंगे इनको डाइपर करने के लिए पिताजी को, तो ऑब्वियस सी बात है ठंड लगेगी, तो इस वजह से ये लिया गया था। पर अब मैं इसका बताना चाहता हूँ कि अब मेरे को ये कैसा लगा आफ्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ यूज़। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे को प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई रिसेंटली, मैं ये यूज़ कर रहा था तो मैं हॉस्पिटल भी लेके गया, 1 मंथ ये यूज़ हुआ, 1 मंथ उधर, इधर ये बिल्कुल सही चल रहा था, एक एक दो दो घंटे चला रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में गया तो ऑब्वियस सी बात है उधर मेरे को था कि सरकारी बिजली है तो अच्छे से यूज़ कर लेंगे, तो उधर मैंने 3 4 दिन इसको फुल अच्छा चलाया, ठीक है नहीं, कंटिन्यू चलाता रहा। तो हुआ क्या इसमें, वैसे तो कोई छेड़खानी हुई नहीं, पर 3 4 दिन जब लगातार ये चला, इसके इधर नीचे ना आप देख सकते हैं ये पंखा है, इसमें चलेगी थोड़ी सी डस्ट, ठीक है नहीं, थोड़ी सी डस्ट चलेगी। तो डस्ट जाने के बाद हुआ क्या, डस्ट जाने के बाद ये आवाज़ करने लग गया और इसकी हीट भी कम हो गई।
तो मैंने फिर सर्विस वालों को बुलाया क्योंकि इसकी सर्विस है कम से कम, डब्बे पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं डब्बे पे भी लिखा है, ये उल्टा करके लिखा है, 2 साल की वारंटी है, वो भी होम सर्विस, 2 साल की पूरी सर्विस है। तो मैंने बुलाया सर्विस वाले को और घर पे ही आ गया वो। जो कॉल सेंटर वाले थे उन्होंने 2 या 3 दिन बोला कि 2 या 3 दिन में आएगा, जबकि जल्दी आ गया, उससे एक दिन पहले ही आ, यानी उसी दिन आ गया। तो उसने देखा भी ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, तो अपनी तरफ से सेट करके गया, तो दूसरी बार फिर प्रॉब्लम आ गई। और जब दूसरी बार फिर प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये, कम से कम 3800 का लिया मैंने अभी रिसेंटली, ठीक है। तो मैंने देखा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी बढ़िया कंपनी है, क्योंकि ये मॉर्फी रिचर्ड एक्चुअल में बजाज के अंडर है, तो बजाज की कंपनी है। तो मैं कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, मैंने इतना पैसा लगाया भी इसी वजह से था। पर जब वो सेट करके गया दूसरी बार भी, तो उस टाइम जब वो आया टेक्नीशियन तब प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसने बोला कि हुआ क्या है, अब तो ठीक चल रहा है। मैं कहा हाँ अब ठीक चल रहा है, पर पहले प्रॉब्लम दे रहा था। तो फिर अब हुआ क्या, तो मैंने उसको बोला कि देखिए जी अपनी तरफ से इतना महंगा लिया मैंने और मेरे पास है पेशेंट, तो आप उम्मीद है मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, मेरे को तो ये नहीं जचता, मैं कहाँ ले लेके दौड़ूंगा इसको। मैंने तो पैसा ही इसी वजह से लगाया कि पिताजी को भी दिक्कत ना आए और मेरे को भी दिक्कत ना आए। तो उसने सर्विस जो वाला लड़का था बहुत ही अच्छा था, उसने मेरी प्रॉब्लम समझी और उसने क्या किया कि जब तीसरी बार प्रॉब्लम आई उसने बोला कि अब अगर अब प्रॉब्लम आई तो आप रिप्लेस करवा दूंगा मैं। तो जब तीसरी बार प्रॉब्लम आई उसने क्या किया कि मेरे को बोला ऐसे करिए आपने जहाँ से लिया था तो वहाँ जाके आप एक्सचेंज करवा लीजिए। तो मैं चला गया दुकान पे, तो उधर वही लड़का सर्विस वाला लड़का ही मेरे को मिल गया। तो उसने दुकान वालों को बोल रखा था कि जैसा मर्जी हो आप चेंज कर देना, तो उन्होंने प्रोडक्ट चेंज कर दिया। पर चेंज करते वक्त उसने मेरे को ये बताया कि सर ये इसमें तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ही, इसमें अगर जब हीट चली जाती है ना तो थोड़ी बहुत ये आवाज़ करता है। यानी एक तरीके से वो सर्विस वाले लड़के ने ही मेरे को बता दिया कि ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। सो अगर आप ये अरिस्टो रूम हीटर लेने की सोच रहे हैं, तो मैं तो देखिए मेरे हिसाब से इतना पैसा लगाने के बाद और इतना सब सहने के बाद मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा। जब सर्विस वाला लड़का खुद बोल रहा है कि नहीं ये ऐसे आवाज़ करता है, तो भाई इतना पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए मैं अब कोई और प्रोडक्ट तो रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, नहीं कि आप ये ले लो या आप वो ले लो, पर मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये भी इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। आपको अगर कोई और प्रोडक्ट नज़र आ रहा है तो ले लीजिए, इसकी तरफ मत जाइए, बाकी जाना है चले जाइए। वो अगर आपको शोरूम में जा रहे हो, देख किसी फ्रेंड के पास पड़ा है अच्छा चल रहा है तो ले लीजिए। कई बार ये भी हो सकता है कि ये मेरे पास, जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं किसी के पास नहीं चलते और किसी के पास चल जाते हैं, पर अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं और इतनी, यानी कंपनी हम अच्छा ब्रांड है, हम यही सोचेंगे ना कि वो अच्छी चीज़ निकलेगी, तो अगर फिर भी नहीं निकल रही तो फ़ायदा क्या। सो मेरे हिसाब से यही है कि आप, मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो बस मेरी तरफ से तो यही था आज का ये रिव्यू मॉर्फी रिचर्ड्स अरिस्टो पावर हीटर का। उसके बाद अब आप देखिए, आपने लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। और मेरी तरफ से अलविदा, शब्बा खैर, राम राम, और अपना ध्यान रखना, और नेक्स्ट वॉलर जल्दी आएगा, और बस थैंक यू, बाय, टेक केयर।